यूपी मौसम समाचार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी के कई जिलों में बदला मौसम, जोरदार बारिश और गर्मी से मिलेगी राहत। तो चलिए जानते हैं कि मौसम को लेकर क्या है ताजा खबर। वीडियो को देखें आखिर तक और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, मुरादाबाद, मेरठ सहित कई जिलों में आज एकाएक मौसम का मिजाज बदल गया। कई जिलों में जोरदार बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी। उत्तर प्रदेश में मानसून के सक्रिय हो जाने की वजह से अगले 5 दिनों तक पश्चिमी यूपी में भारी बारिश होने के आसार बन रहे थे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। इसी बीच मौसम को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है कि मौसम विभाग और निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर का यह अनुमान है कि स्काईमेट वेदर के अनुसार आज से कल तक पूरे उत्तर भारत में मानसून व्यापक रूप से न केवल सक्रिय रहेगा बल्कि अच्छी बारिश भी देगा। एजेंसी ने 5 से 6 दिनों तक पूरे क्षेत्र में अच्छी से भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने आपको बता दें, कल से वेस्ट यूपी सहित उत्तर भारत में व्यापक बारिश होने की भविष्यवाणी की है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से बारिश की खबर भी आ रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश हुई है जबकि कई हिस्सों में उमस की गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक पश्चिमी इलाकों में बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश भी हुई है, इससे मौसम सुहाना हो गया है। वीडियो के आखिर में आपको बताते चले कि इस पूरे हफ्ते भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले कुछ दिनों में आंधी तूफान को लेकर कई राज्यों में चेतावनी भी जारी की है। इसमें दिल्ली का मौसम खुशनुमा रहेगा, उत्तर प्रदेश में मानसून लौट आया है। ऐसे में आपको बता दें, यूपी में 2-4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम की जानकारी देने वाले IMD ने यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कुछ इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आपको बता दें, कल से 2-4 दिनों के बीच पंजाब, हरियाणा की तरह दिल्ली के आसपास भी भारी बारिश होने की संभावना है। वीडियो के अंत में आपको बता दें कि खैर में अगले कुछ घंटों में बिजली की कड़क के साथ बारिश के भी आसार हैं। मैं आपको बता दें, मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने की आशंका जताई है। यूपी के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बलिया, लखीमपुर खीरी, बिजनौर जैसे कई जिलों में आज तेज बारिश होने की जानकारी दी जा रही है। वहीं तेज हवाओं चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने आपको बता दें, मानसून की गतिविधियों और सर्दी आने को लेकर जानकारी दी है। इसके मुताबिक देश में सामान्य से ज्यादा मौसमी बारिश होने के आसार हैं। वहीं आपको बता दें कि कड़ाके की सर्दी भी इस साल जल्द पड़ सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि आपको बता दें, इस महीने सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।